ललितपुर उत्तर प्रदेश अतिक्रमण हटाने हेतु कार्यालय का आदेश। आपको बता दें कि दिनांक 12/7/2022 को निर्देश जारी किए गए थे। अतिक्रमण हटाने के दौरान गंगाराम शर्मा, अनिल शर्मा, राहुल शर्मा पुत्र गंगाराम शर्मा एवं मनीष शर्मा पुत्र राहुल शर्मा व श्रीमती उषा पत्नी गंगाराम शर्मा, रीना पत्नी राहुल शर्मा, योगेंद्र शर्मा पुत्र आसाराम शर्मा व रोहित किरादार सहित 8 से 10 व्यक्ति निवासी गण लीडियापुरा द्वितीय वार्ड नंबर 12 के द्वारा शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने हेतु नगर पालिका के अधिकारियों कर्मचारियों के साथ मारपीट, अभद्रता व जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर गाली गलौज करते हुए उनके क्षेत्र में देखने पर जान से मारने की धमकी दी गई थी, जिसके दृष्टिगत आज दिनांक तक प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। तीसरे दिन भी नगर पालिका परिषद ललितपुर के समस्त अधिकारी लिपिक व कर्मचारियों द्वारा क्रमिक अनशन धरना प्रदर्शन पालिका परिषद में किया गया, लेकिन आज तक शासन प्रशासन द्वारा कोई सुनवाई नहीं की गई। साथ ही यह क्रमिक अनशन एक सूत्रीय मांग के तहत किया जा रहा है, जिसमें दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद भी उनकी गिरफ्तारी नहीं की गई। साथ ही उक्त आरोपी नगर में खुलेआम घूम रहे हैं, जिससे अधिकारी लिपिक व कर्मचारियों में रोष है। जब तक दोषियों की गिरफ्तारी नहीं की जाती तब तक यह क्रमिक अनशन धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। मेरा नाम अमित कुमार है। क्या है मामला? मैं नगर पालिका में परीक्षक हूँ। श्रीमान जी, मामला है श्रीमान शासकीय अधिकारी महोदय के निर्देशन में 16 जुलाई को हम लोग लड़ियापुरा में श्री अनिल शर्मा की शिकायत पर अतिक्रमण हटाने के लिए जाएंगे। तो हम लोगों ने लड़ियापुरा से अतिक्रमण हटाना शुरू किया। अतिक्रमण हटाते हटाते हम लोग प्रार्थी अनिल शर्मा के मकान पर पहुँचे। जब अनिल शर्मा के मकान पर हम लोगों ने अतिक्रमण हटाया तो उन लोगों ने हमारे सफाई कर्मचारी अधिकारी बाबुओं के साथ बदतमीजी की, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया, लाठी डंडे लेकर मारपीट पर उतारा हो गए, जिसका वीडियो वायरल है अभी। और हम लोगों की आज 3 दिन हो गए हैं, हम लोग क्रमिक अनशन पर बैठे हुए हैं। उसी क्रम में किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि जो आरोपी हैं अनिल शर्मा के परिवार के लोग, उन लोगों की गिरफ्तारी हो, जिससे हमारे जो कर्मचारियों में रोष है, जो हम लोगों की बदनामी हुई है, अपमान हुआ है, तो हम लोगों को लगे कि हाँ भाई प्रशासन ने कुछ किया है। प्रशासन पूर्ण रूप से मौन है। आज 16 तारीख की घटना को अभी तक अंजाम नहीं दिया गया है। किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। आज 4 दिन होने को हैं। शहर की सफाई व्यवस्था आप लोगों पर निर्भर रहती है। आप लोग हड़ताल पे हैं, फिर कैसा क्या चल रहा है? हम लोगों को भी बड़ा दुख है। ललितपुर नगर सौभाग्यशाली है जो यहाँ पर आचार्य श्री आए हुए हैं। हम लोग आचार्य श्री की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, इसका हमें दुख है। सावन मास का महीना चल रहा है, लेकिन हम लोगों की मजबूरी है। यहाँ हम लोगों की इसी तरीके से अगर बेइज्जती और अपमानित होते रहे तो इस तरीके से कैसे काम चलेगा। हम लोग पूर्ण ईमानदारी से अपनी सफाई व्यवस्था में लगे रहते हैं। नगर पालिका परिवार हर रूप से ऑफिस से लेकर सफाई कर्मचारी तक अपना ईमानदारी से कार्य कर रहा है। हड़ताल में सफाई बेटा जिनको पानी पीने से सफाई व्यवस्था पूर्ण रूप से फेल हो चुकी है। हम लोग चाहते हैं प्रशासन इसको संज्ञान में लेकर आरोपियों को गिरफ्तार करे, जिससे कि हम लोग अपने मूल कार्य पर पुनः वापसी कर सकें और शहर को साफ सुथरा बना सकें। और जब हमारे अधिकारियों के साथ जब कहीं भी हम लोग शासन प्रशासन के आदेश अनुसार अतिक्रमण हुआ, पॉलीथिन जब्ती हुई या अन्य कहीं पर भी हम लोगों को लगाया जाता है, हम पूरी ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाते हुए कार्य को अंजाम देते हैं और सफल बनाते हैं। लेकिन कुछ नगर में ऐसे भी लोग हैं जो हमारे नगर पालिका की और आप सभी को मालूम है 16 तारीख की घटना की जानकारी आप सभी को है। इसी के क्रम में आज अपन लोग यहाँ पर हड़ताल पर बैठे हैं और मुख्य रूप से हमारी मांग है कि जो अपराधी है जिन्होंने पालिका परिवार से बदतमीजी की
मारपीट की, उनकी गिरफ्तारी के लिए आज हम यहाँ बैठे हैं। और मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि केवल एक ही यहाँ पर उद्देश्य रखना, गिरफ्तारी। इसके अलावा कोई भी वक्ता किसी प्रकार की बात नहीं कहेगा, केवल गिरफ्तारी से संबंधित ही बात रखेगा। यहाँ पर ना तो कोई किसी राजनीतिक दल से मतलब है, ना कोई अपना विरोधी है। पूरे पत्रकार बंधु, पूरा मीडिया कर्मचारियों के साथ है। मैं मीडिया को धन्यवाद देता हूँ कि वो कर्मचारियों की पूर्ण रूप से सहयोग कर रहे हैं। और यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित साथी, पालिका परिवार जो एकता दिखा रहे हैं, उसके लिए भी मैं तुम सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ। और चाहूँगा कि आगे भी अगर कोई समस्या बालिका परिवार के ऊपर आती है, तो ऐसे ही आप सब लोग एक से ढूंढकर कंधे से कंधे मिलाकर खड़े रहे हैं। धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे सम्माननीय बड़े भाई श्री सुगंधर जी, हमारे आदरणीय बड़े भाई श्री विरेन मेहरोलिया जी हमारे बीच में है। आदरणीय बड़े भाई श्री विरेन मेहरोलिया जी से अनुरोध है, कृपया मंच पर आए और कर्मचारी साथियों के जोश भरे हमारे युवा साथियों को देश प्रदान करने वाले हमारे बड़े भाई मेहरोलिया जी हमारे बीच में उपस्थित है, जो कि युवाओं को जोश करने के लिए जाने जाते हैं।